हेलो एवरीवन uh, मेरा नाम संचिता शर्मा है मैंने यूपी पीसीएस 2020 में uh, पहला स्थान हासिल किया है uh, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था यू पी में पहला अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया था बट uh, उसमें मेरा प्रिलिम्स क्लियर नहीं हुआ था उसके बाद मैंने ये सेकंड अटेम्प्ट दिया था और इसमें मैंने फर्स्ट uh, रैंक uh, हासिल किया है तो मैं इस माध्यम से डी के थ्रू Uh, आप सबसे यू की स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहती हूँ uh, जैसे कि आपको पता है कि ट्वेंटी uh, से यूपी का जो पैटर्न है यू का ऑलमोस्ट इट इज़ अलाइन्ड टू यू तो इसके सो मच सो दैट कि इसमें जो साइकिल uh, भी है uh, आगे पीछे ही है uh, मतलब जब प्रिलम्स यू का होता है तभी यूपी uh, अपना कंडक्ट करवा रहा है मेंस भी ऑलमोस्ट आगे पीछे ही होता है और इंटरव्यू भी अभी आगे पीछे ही है तो इसलिए ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है उन बच्चों के लिए जो यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं और जो अलग से भी सिर्फ यू यूपीपीएससी की ही प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रैटेजी से इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ एक तो जैसे कि आपको पता है कि इसके तीन स्टेजेस होते हैं पहला फेज तो है प्रमरी एग्ज़ाम Uh, फिर आता है मेन्स का एग्जाम और फिर आता है आपका इंटरव्यू स्टेज तो सबसे पहले मैं आपसे डील करूँगी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में तो जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसमें दो एग्ज़ाम्स uh, होते हैं एक तो जी का पेपर होता है और एक हमारा सी का पेपर होता है जो जी का पेपर होता है उसमें आपका हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं टू मार्क्स ईच एंड जो CSAT का पेपर है, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और वो क्वालिफाइंग होता है इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 33 प्रतिशत मार्क्स ही चाहिए और आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं for फ्रेंड्स ग्रंटेड प्रिलिम का मतलब अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे अशोर्ड मींस का मतलब अगर हमारे पढ़ाई में से 80 परसेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे फ्रेंड्स आंसर राइटिंग और प्रिलिम टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके आपका 17 मंथ्स का ड्यूरेशन है और ऑनलाइन की फीस है सिर्फ थर्टी प्लस जीएसटी फ्रेंड्स दूसरे टॉपर्स जैसे रैंक फोर रैंक सिक्स रैंक एट एंड मल्टीपल अदर टॉपर की तरह आप भी मुलुकाइस ज्वाइन करिए और अपनी सक्सेस अश्योर करिए थैंक यू वेरी मच तो प्रिलिम्स के लिए तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जितनी भी हमारी बेसिक बुक्स हैं उसको कंप्लीट करना है जैसे कि पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत है मैंने वही पढ़ा था और इसके अलावा आ, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से किया था जो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट है और इसके अलावा जो एंशियट है वो आर एस शर्मा से किया था मिडिएवल सतीश चंद्रा से किया था और आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बहुत नितिन सिंघानिया सर के नोट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं तो आप उनके हैंड रिटन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं बिकॉज uh, वो काफ़ी क्रिस्प हैं एज कम्पेयर टू द जो uh, बुक है ना नितिन सिंह आनिया सर की तो उससे बेटर है कि आप हैंड रिटन नोट्स से पढ़ लीजिए और uh, इसके अलावा uh, आपका इन्वायमेंट जो है वो शंकर आई की जो बुक है आप उसमें से कर सकते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ऐसा uh, कोई स्टैटिक नहीं है बट यूपी के लिए ना एक लूसेंट की बुक आती है uh, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन uh, उसमें से आ जाते हैं तो इसके अलावा आप इकॉनमी है और इकॉनमी के लिए तो आप श्री, मैंने श्री राम के नोट्स पढ़े थे और कुछ कुछ मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे तो मैंने उसमें से पढ़ा था तो ये तो रही कुछ बुक्स की बात ये सबको पता होता है ये लिस्ट इसके अलावा यूपी के लिए एक बुक आती है घटना चक्र तो मैंने उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन किया था खासकर करके जो फैक्ट्स थे बजट जो आता है तो मैंने वो वहाँ से किया था और जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की और जो रिसेंटली जो जो वो प्लान्स ला रहे हैं नेशनल इवेंट्स भी वो आई थिंक घटना चक्र में फेयर एनफ़ डिटेल में कवर होता है और इसके अलावा घटना चक्र की बुक्स भी आती हैं जैसे कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं आई थिंक अब वो फैक्चुअल से थोड़ा सा तो यूपी का पैटर्न चेंज हो गया है तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए और उनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो इससे आपको थोड़ा ही क्लैरिटी होगी कि क्या एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं

तो क्वेश्चन uh, का लेवल बहुत अच्छा हो गया है बहुत यू uh, के स्टैंडर्ड के आ गए हैं क्वेश्चन कुछ कुछ तो तो uh, ये तो मतलब ओवरऑल प्रिलिम्स की स्ट्रैटी थी और इसके uh, जो सेकेंड स्टेज है वो मेंस की स्टेज है तो मेंस में uh, जैसे यूपीएससी में फोर स्टेजेस होते हैं जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री और जी एस फोर तो यूपी में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है uh, बस एक ये डिफरेंस है कि जो यूपीएससी है यूपीपीएससी है उसमें uh, जो नंबर ऑफ मार्क्स मार्क्स एलोकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है uh, कुछ हाफ ऑफ़ द क्वेश्चन आर एट मार्कर एंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन आर ट्वेल्व मार्कर और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्वेंटी होते हैं तो जी एस वन जो है दैट रिलेट्स टू ब्रॉडली हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जोग्रफ़ी सोसाइटी और uh, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया विमेन हो गया uh, और जी एस मतलब ये तो आपको वैसे सिलेबस तो आपको पता ही रहेगा कि क्या क्या है uh, तो मैं uh, हर पोर्शन को जो मैंने इस बार प्रिपेयर किया था उसमें मैंने uh, कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए थे तो वो मुझे एंड मोमेंट पे रिवाइज के लिए रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल मिला हेल्पफुल uh, हुए थे और uh, खास करके जो स्कीम्स होती हैं जैसे यूपी गवर्नमेंट की कुछ कुछ स्कीम्स थी वो मैंने सारी ना एक तरफ लिख ली थी तो लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन करना होता है और आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स डालनी होती हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है गंगा एक्सप्रेस वे बना रही है या गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेस वे बना रही है तो ये सब चीज़ें ना आपको स्प्रिंकल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं अपने आंसर्स में और ये थोड़ा आपके आंसर्स को बेटर भी बनाता है तो आ, मेरी एक फ्रेंड थी उसने सारे जो डाटा थे वो सब एक जगह कलेक्ट कर लिए थे और हमने फिर उसको रिवाइज किया था एट लास्ट मोमेंट और फिर उसको बस यूज़ किया था अपने आंसर्स में बहुत बहुत एक तो ये तो रहा आपका कैसे आपने कंटेंट डेवलप करना है जो दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है एग्ज़ाम में वो है एग्जाम को कम्प्लीट करना ये सबको पता है कि ट्वेंटी uh, क्वेश्चन आते हैं तो उन ट्वेंटी क्वेश्चन को कैसे कम्प्लीट करना है विद इन दैट टाइम फ्रेम दैट इज़ अ चैलेंज इन इट सेल्फ तो मैं बच्चों को यही कहूँगी कि आप अपना जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए ताकि जैसे अगर तीन घंटे का टाइम है तो तीन घंटे को आप ऐसे डिवाइड कीजिए कि सात क्वेश्चंस आपके एक घंटे में हो जाए फिर अगले सात अगले घंटे में हो जाए और अगले के जो बचे छः क्वेश्चंस हैं वो लास्ट के आर में कर लीजिए ठीक है तो इस तरह आपका टाइम मैनेज हो जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज एट द एंड हम एक एक मार्क के लिए लड़ रहे हैं तो अगर आप जस्ट की पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए और आपके साथ वाले ने कंप्लीट किया है तो वहां पे उस बंदे को एज मिल जाएगा तो मैं आपको ये स्ट्रांगली uh, एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ अपना पेपर कम uh, कीजिए छोड़ने का बिल्कुल मत सोचा चाहे आपको कम टाइम मिल रहा है अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ तीन मिनट रह गए हैं चार मिनट रह गए हैं और आपके दो क्वेश्चंस बचे हैं तो आई वुड से जस्ट अटेम्प्ट वट एवर यू कैन राइट जस्ट राइट टू टू मिनट्स एलोकेट कीजिए बट प्लीज़ छोड़कर मत आइए पेपर को

हाँ ये तो मैंने ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताई मेंस को कैसे डील करना है तो कमिंग बैक टू द पॉइंट तो मैंने जीएस वन में बताया कि ब्रॉडर क्या क्या एस्पेक्ट्स रहे uh, जैसे सोसाइटी वगैरह को आप हर uh, टॉपिक के ब्रीफ नोट्स बना लीजिए बिल्कुल छोटे छोटे से कि अगर सोसाइटी uh, है तो सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी विमेन को प्रिपेयर कर लीजिए चाइल्ड प्रॉब्लम्स को uh, कर लीजिए फिर ग्लोबलाइजेशन uh, एक टॉपिक रहता है काफ़ी फेवरेट रीजनलिज्म है कम्युनलिज्म है तो अब इन बेट छोटे छोटे बस एक डेफिनेशन हर टॉपिक की और क्या क्या उस पर करंट इवेंट्स क्या क्या ट्रेंड्स हैं जैसे रीजनलिज्म में गोरखा लैंड था तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ जो मूवमेंट्स चल रही हैं आप उनको कोट कीजिए अपने आंसर्स में तो वो आपके आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाएगा तो कमिंग टू द पेपर टू जीएस टू का जो है उसमें पॉलिटी गवर्नेंस है तो पॉलिटिक के लिए तो आपने सफिशेंटली वो पढ़ा पढ़ी रखा होता है लक्ष्मीकांत की बुक लेकिन जब हम बेंस के जी एस टू की बात करते हैं तो थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल आस्पेक्ट आता है गवर्नेंस का आस्पेक्ट आता है तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ए आर सी की रिपोर्ट जो है वो आप ज़रूर पढ़िए उसको रेफर कीजिए जो मेन मेन थीम्स दिए हुए हैं ना सिलेबस को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए आप जो जो सिलेबस में की टर्म्स दिए हैं मेक श्योर कि आपके पास हर टॉपिक के ऊपर कुछ कुछ कंटेंट है जैसे आर है या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है तो इनमें क्या क्या प्रेसिंग इश्यूज क्या हैं और उसके बाद कि इनको प्रेसिंग इश्यूज को कैसे हैंडल किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन जैसे अभी काफ़ी हॉट न्यूज़ बना हुआ है तो इलेक्शन कमीशन्स के क्या क्या इशूज़ हैं उसको कैसे आप डील कर सकते हो तो उसके साथ साथ आप बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल कोट कर दीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि रिसेंट uh, एग्जाम्पल्स uh, जो मतलब रिसेंट इवेंट्स हुए हैं uh, तो वो आपके आंसर को बहुत ओरिजिनल uh, uh, थोड़ा होता है ना स्पाइसिंग दे देता है आपके आंसर को औरिजनैलिटी देता है और uh, इसके अलावा थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस भी पेपर टू में आता है तो आप इसके लिए आई थिंक जो बिल्कुल विजन आई एस है मैंने उसमें से जो इंटरनेशनल रिलेशंस का मॉड्यूल आता है आ, वो किया था और विजन आई में मीन 365 आता है तो आई वुड से कि बहुत ही हेल्पफुल रहा मुझे चीज़ों को कंपाइल करना तो वो हिंदी माध्यम में भी आता है और इंग्लिश मीडियम में भी आता है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं ब्रॉडर टॉपिक्स को कवर करने के लिए जैसे इंटरनेशनल रिलेशन आप उसमें से कर सकते हैं पॉलिटी का एक मॉड्यूल आता है आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं तो ये तो आप मोटे मोटे तौर पर कीजिए और आप सिलेबस वाइज चलिए सिलेबस को खोलिए आप टॉपिक को करिए कि अच्छा ये वाला टॉपिक हो गया ये वाला टॉपिक हो, हो गया और फिर आप ऐसे करते जाइए तो आई थिंक आपको अगर आप ऐसे नोट्स बनाते जाएंगे तो एंड मोमेंट पे रिवीजन बहुत इजी हो जाएगी और बहुत जल्दी हो जाएगी एंड रिवीजन इज द की की टू द सक्सेस आई वुड से जितनी आप रिविजन्स करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा इसके बाद जो थर्ड पेपर है दैट इज़ लार्जली रिलेटेड टू इकोनॉमी इकोनॉमी में जो आपके डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स हैं आई थिंक सिलेबस तो आप सब देख ही लेंगे और uh, हाँ एक और बात मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगी स्पेशली कि यूपी में uh, जो uh, हर पेपर में यूपी स्पेसिफिक कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको बहुत अच्छे से आप डील कीजिए Uh, जैसे कि मैंने आपको बताया कि uh, हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ जैसे घटना चक्र थी या कुछ कुछ और सोर्सेज uh, थे हमारे uh, जैसे नो योर स्टेट है अरिहंत की बुक आती है तो आपने uh, आप इनमें से कुछ कुछ स्कीम्स uh, उठा लीजिए उसकी एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए कि क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है तो जो भी यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है जैसे स्मार्ट सिटी क्वेश्चन आया था कि स्मार्ट uh, सिटीज़ से रिलेटेड यूपी में कौन कौन से uh, कौन कौन से स्मार्ट सिटीज़ हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी तो आई थिंक आपके पास अगर एक कंटेंट रहेगा ना कि आपको पता है कि टें स्मार्ट सिटीज़ हैं यूपी में और अभी कौन कौन सी ऐड की हैं तो वो थोड़ा सा uh, uh, काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव आंसर बना देता है आपका uh, तो uh, इसके अलावा uh, इस बार बहुत ज़्यादा पोर्शन जो था यूपी uh, के पेपर में पेपर थ्री में साइंस एंड टेक काफ़ी अच्छे लेवल का आया था थोड़ा साइंस एंड टेक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में ही निकाली थी दिसंबर 2020 में तो uh, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए थे सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे तो इसके लिए भी मैंने विजन आई के मोड्यूल्स uh, को फॉलो किया था और uh, इसके लिए आप भी वही स्ट्रेटी अपना सकते हैं कि जो ब्रॉडर टॉपिक्स हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड और जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जैसे अभी सीडीएस को ऑफिस बनाया था उन्होंने तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है uh, कैसे वो हेल्प करेगा ठीक है तो आई थिंक इन ब्रॉडर टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कीजिए uh, एक इसमें मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहूँगी कि, कि जो साइंस एंड टेक है बहुत अनकन्वेंशनल uh, सा uh, उसमें से क्वेश्चन आते हैं सो यू कैनॉट प्रडिक्ट एंड यू कैनॉट प्रिपेर आउट राइटली फॉर इट तो आपको क्या चाहिए बे, बेसिक सा करके जाइए अगर आप वहाँ पे अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो आई थिंक आप डिसेंट एनफ लिख सकते हैं क्योंकि एट द एंड आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने थॉट प्रोसेस को उस आ, पेपर में ठीक है तो अगर आपको सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आई वुड से डोंट लीव इट आउट राइटली आपको कुछ ना कुछ तो उस टॉपिक के बारे में पता होगा ठीक है तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और अपना आ, क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए एक एक कीवर्ड को बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आप उसमें क्या वैल्यू एड कर सकते हो अपने आंसर में तो कोई भी क्वेश्चन लिख लिखने से पहले आप कम से कम थर्टी सेकेंड्स टू फोर्टी सेकेंड्स आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए Uh, ताकि आप एक इंटरप्रिटेशन भी क्वेश्चन की अच्छे से कर रहे हैं और उसके बाद uh, उसको आंसर uh, भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं बिकॉज़ कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी में हम क्वेश्चन uh, को कुछ लिखा कुछ क्वेश्चन में पूछा कुछ होता है हम लिख कुछ और देते हैं और मार्क्स फिर हमारे सामने ही आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत काम माइंड से क्वेश्चन को पढ़िए बहुत कामली उसको आंसर दीजिए और uh, एक और पॉइंट मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि आंसर लिखने की जो स्ट्रैटेजी uh, है उसमें भी आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत रैंडमली लिख रहे हैं जैसे क्वेश्चन के दो तीन पार्ट्स होते हैं तो आप पहले तो उस क्वेश्चन को डिफाइन कीजिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है ठीक है आप कुछ फैक्ट uh, स्टार्ट कर सकते हैं जैसे अगर सपोज वाटर स्कॉट सिटी के ऊपर पूछा है तो आप नीति uh, आयोग की रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं आप ये बता सकते हैं कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया में कितनी है तो ये आपका डिसेंट इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफ सा देना है उसके बाद आप सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आ जाओ जो मोस्ट लाइकली कभी इशूज़ पूछे होते हैं कभी सोल्यूशन पूछे होते हैं या क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको डील करने में गवर्नमेंट क्या कर रही है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम कीजिए अपने आंसर्स को बहुत वेग uh, मत लिखिए uh, उसमें आप पॉइंट वाइज लिखिए पहले तो ठीक है प्रायोरिटी वाइज पॉइंट्स को लिखिए ये ना हो कि आप बहुत हैप अपने पॉइंट्स को मैनेज कर uh, uh, लिख रहे हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ऊपर लिखिए फिर प्रायोरिटी वाइज आप नीचे जाइए और इसके अलावा एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि अपने आंसर में जितना हो सके एग्जाम्पल्स डालिए जैसे अगर गवर्नमेंट पूछ रही कि scarcity, तो है कि हाउ टू हैंडल वाटर स्पार तो आप बता सकते हैं कि कहाँ गवर्नमेंट जो लोकल मॉडल्स हैं जैसे मेघालय में नॉर्थ ईस्ट का जो डोंग सिस्टम है या ये भागीरथी स्कीम है एमपी की तो आप जस्ट राइट Uh, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के uh, कहां पे लोकल पार्टिसिपेशन से क्या हो रहा है तो ये आपका थोड़ा सा एज मिल जाता है आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा मे पॉइंट से uh, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने के लिए और उसके बाद कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर कंक्लूजन लिखिए और uh, वहां पे आपने बस जहां से आप जैसे आपने स्टार्ट किया था वैसे ही आपने उसी थॉट प्रोसेस से आपने कंक्लूड uh, करना है वे फॉरवर्ड दे दीजिए तो आई थिंक दिस वुड बी डिसेंट एनअ अप्रोच टू आंसर योर क्वेस्चन्स तो uh, ये जो स्ट्रैटी आप तो सब पेपर्स में अप्लाई कीजिए उसके बाद बचा आपका पेपर फोर जी एस फोर जो है जो एथिक्स से रिलेटेड है तो एथिक्स का जो पेपर है दैट इज़ मोर और लेस ओवरलैपिंग विद यूपीएससी का ही सिलेबस uh, थोड़ा सा ये डिफरेंस पैटर्न ऑफ एग्जाम में है कि यूपी में ट्वेंटी uh, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एथिक्स uh, में भी जैसे यूपीएससी में तो आई थिंक फोर्टीन क्वेश्चन पूछते हैं आप तो शायद और भी कम कर दिए तो uh, तो इसमें तो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें भी शायद सब पार्ट्स होते हैं तो लेंदी uh, होते हैं काफ़ी ज़्यादा एथिक्स का पेपर और एथिक्स के पेपर में भी मैं आपको uh, यही बोलना चाहूँगी कि पेपर कंप्लीट करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी क्वेश्चन इन एथिक्स पेपर ऑल्सो तो एथिक्स uh, के पेपर में मैंने अतुलगढ़ सर हैं उनके नोट्स पढ़े थे लुकमान आई के कुछ कुछ नोट्स थे मैंने वो पढ़े थे और उसके बाद आई थिंक रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ की टर्म्स की टर्म्स जो है ना सिलेबस उठाइए की टर्म्स को देखिए और आप ये देखिए कि क्या की टर्म्स को आप डेफिनेशन डिफाइन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो डिफ़ाइन कीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कि आप सपोज इमोशनल इंटेलिजेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आप लिख लीजिए किसने कॉन्सेप्ट दिया था डेनियल गोलमैन ने आप वो लिख दीजिए क्या कॉम्पनस आप वो लिख दीजिए आई थिंक तीन लाइन में आपका ये सब आ जाएगा उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल्स दीजिए अपनी लाइफ से एग्जाम्पल्स दीजिए और एथिक्स जो है ना uh, ये बेसिकली आपका टेस्ट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्मेंट राइट कि आप कितने एथिकल हो वाइल्ड आर इन एडमिनिस्ट्रेशन so it's very important that uh, you write your answers as an administrator it should not be like very uh, uh, it should not seem like very uh, uh, like a claim and answer karosko ठीक है तो इसके लिए मैं आपको ये एग्जाम ये बताना चाहूंगी कि कोट द एग्जाम्पल्स फ्राम लाइफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स आए हैं कर्नाटका के बहुत अच्छे ई गवर्नेंस मॉडल है तो कौन सिविल uh, सर्वेंट वो लेकर आया आप उसका नाम कोट कर सकते हो पब्लिक सर्विस डिलीवरी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है कुछ कुछ स्टेट्स में फिर एन uh, जी ने कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम किया है केरला की खुदमश्री मॉडल है तो आप इनको कोट कीजिए उसके बाद uh, uh, पब्लिक uh, सर्विस का जो है वो जैसे अभिषेक पल्लव हैं, छत्तीसगढ़ के आई ऑफिसर हैं तो कैसे उन्होंने ट्रस्ट uh, डेफिसिट को कम किया बाय एनहेंसिंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी अमंगस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन तो ये कुछ कुछ गवर्नेंस मॉडल्स हैं जो बहुत हैंडी होने चाहिए आपके हाथ में और आप इनको यूज़ कीजिए अपने पेपर में जितना हो सके एंड एग्जाम्पल्स दीजिए uh, uh, की टर्म्स को यूज़ कीजिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी दीज की टर्म्स शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स की ये वाला इट शुड नॉट बी वेरी वेग बट टू पॉइंट और केस uh, स्टडीज को uh, ये तो मैंने आपको ओवरऑल बताया uh, इसके अलावा जो एथिक्स का पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एक पार्ट तो है जो जनरल थेरेटिकल पार्ट है एथिक्स का uh, और जो दूसरा पार्ट है दैट रिलेट्स टू द केस स्टडी उसके बाद जो केस स्टडीज हैं उसमें आपने अपने जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो राइट द स्टेक होल्डर्स राइट द वॉट द केस स्टडी एक्चुअली रिलेट्स टू कि मतलब पूरे सेंट्रल थीम क्या है जो आपको केस स्टडी प्रोवाइड कराई गई है uh, उसके बाद आप एनालिसिस uh, कीजिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर एथिकल डायलमाज हैं आप उनको डिफाइन कीजिए उनको uh, बताइए कि ये एथिकल डायलमज हैं आप कौन सा किस uh, हर प्रॉब्लम uh, जो हर चॉइसेस हैं आपके सामने दोनों का प्रोज एंड कॉन्स बताइए और फिर आपका क्या सॉल्यूशन है तो यू शुड राइट वेरी इनोवेटिवली कि अंदर से आए लाइक इट शुड नॉट लुक लाइक वेरी थेटिकल आंसर आप ये सोचिए कि अगर आप उस सिचुएशन में होते एक्चुअली होते तो हाउ वुड यू रिएक्ट एंड इफ यू आर इफ यू आर अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी डेफिनेटली द आंसर वुड बी अलाइन्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एथोस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से आपके अलाइंड होंगे आंसर्स तो डोंट राइट वेरी थरटटिकल बहुत सिंपल लूसड लिखिए क्रिस्प लिखिए बट कीवर्ड्स डालिए ठीक है चाहे वो आपका केस स्टडी है चाहे वो आपका दूसरा पेपर है दूसरा पोर्शन है सेक्शन ए है तो आ, ये तो मेरा मेंस का जीएस का पोर्शन का स्ट्रेटजी था और ऑप्शनल जो मेरा केमिस्ट्री था आ, वो मैं दूसरी वीडियो शेयर करूँगी उसके लिए तो मैं उसमें अपनी डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताऊँगी ऑप्शनल को लेकर एंड जो मेरी थर्ड स्टेज है इस एग्ज़ाम की दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरव्यू तो Uh, देखिए हर स्टेज जो है एग्ज़ाम uh, की इट टेस्ट सर्टन सर्टन पैरामीटर इन यू राइट जैसे uh, जो प्रिलिम्स स्टेज है दैट डिमांड्स मोर अबाउट योर फैक्चुअल नॉलेज इट इट डिमांड्स हाउ क्लियर यू आर अबाउट द फैक्ट्स यू हैव रेड हाउ कॉन्फिडेंट हाउ गुड गेस्ट वर्क यू कैन डू और इसके लिए बहुत ज़्यादा ना uh, रटने की ज़रूरत नहीं है डिसेंट अंडरस्टैंडिंग uh, से आप क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो ठीक है जो मीन्स की स्ट्रैटी है उसमें आपको थोड़ा कम पढ़ना है लेकिन आपका ज़्यादा जो टेस्टिंग uh, हो रही है वो एक्सप्रेशन की हो रही है कि आप कितना अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने थॉट्स को और जब थर्ड पार्ट uh, है uh, उसमें आई थिंक आई मीन इंटरव्यू उसमें आपका नॉलेज फर्स्ट पार्ट फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में चेक हो चुका है थर्ड स्टेज में दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी से मेरा मतलब ये है कि हाउ लाइक हाउ गुड यू अ गुड पर्सन यू आर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो इसका इससे मेरा मतलब ये है कि कैसे आप अपने आप को अलाइन करते हो विद द डिमांड एंड डिमांड ऑफ द रोल ऑफ दिस जॉब प्रोफाइल ठीक है तो वही चीज़ आपको कैसे आप काम रहते हो इंटरव्यू के दिन में कैसे आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करते हो दैट इज़ द आई थिंक की टू इंटरव्यू और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप मॉक्स दीजिए एटलीस्ट एक मॉक तो आप ज़रूर दीजिए मैंने एक ही मॉक दिया था और उसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट अपनी लाइफ के उनको प्रिपेयर कीजिए जैसे कि हॉबीज़ Uh, को प्रिपेयर कीजिए डिफरेंट डिफरेंट आपने जो काम किए हैं अगर सोशल वर्क किया उसको मैंशन कीजिए uh, फिर आप यूपी uh, में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फोकस इंटरव्यू के टाइम पे किया जाता है आपके ऑप्शनल पे जैसे मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल था तो मुझसे एटी परसेंट ऑफ़ द क्वेश्चन वर रिलेटेड टू माई ऑप्शनल एंड थैंकफुली आई वॉज एबल टू आंसर मैनी ऑफ देम दो नॉट ऑल ऑफ देम और उसके अलावा जो आ, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके जॉब प्रोफाइल से पूछा जाता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैंडम जो आपने वहाँ पे वो भरते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के प्रेफरेंसेस भरते हैं तो हाउ क्लियर यू आर अबाउट द रोल ऑफ एन एस डी एम ऑफ डेपूटी कलेक्टर ए आर टी ओ जो डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर होते हैं तो आपको सबके बारे में थोड़ा डिसेंट एनफ नॉलेज होना चाहिए तो कभी कभी वो पूछ लेते हैं तो आई थिंक uh, यही मेरी ब्रॉडर स्ट्रैटी रही Or interview day, you make sure that you are very calm, very confident, and you are able to reflect your thoughts in front of panel uh, because they are not there to judge your knowledge. They have checked it. They are checking how uh, effectively you are dealing with the questions, uh, which are very bouncer, jin ke suna But how you are uh, actually addressing them? It is the key to it. तो आई uh, थिंक uh, इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू uh, 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 समाप्त करना चाहूँगी लास्ट में मैं कुछ टिप्स uh, बच्चों के लिए देना चाहूँगी जो इस एग्ज़ाम uh, के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं uh, पहले तो मैं uh, उन लोगों को uh, बहुत uh, जो बहुत सारे अटैम्प्ट दे चुके हैं बट फिर भी एंड तक क्लियर नहीं हुआ है मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आई वॉज़ ऑल्सो अमंगस्ट यू टिल येस्टडे मेरे भी बहुत सारे अटैम्प्ट यूपी यूपी में तो मेरा खैर सेकेंड ही था आ, बट यूपीएससी में आई हैव सीन मैनी फेलियर्स बट आई थिंक कॉन्फिडेंस अपने आप में आ, रखना चाहिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं उन फेलियर्स को डील कीजिए अच्छे से और एक नई शुरुआत कीजिए पॉजिटिव माइंड से ताकि आप इस एग्ज़ाम में बहुत क्लैरिटी से आगे बढ़ पाएँ बहुत फोकस्ड वे में आप इसको अप्रोच करें और इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा किताबों में मत घुसिए। बिकॉज uh, हम सोशल एनिमल हैं हमारी नीड्स भी uh, कुछ कुछ ऐसी होती हैं कि हम बहुत ज़्यादा अगर कट कर रहेंगे आइसोलेटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बैकफायर करेगी वी नीड टू सोशलाइज अलॉट आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स आई एम लकी टू हैव सो मेनी फ्रेंड्स जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स थी uh, विशाखा थी निलिमा थी श्रुति थी इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन फेज एज वेल एज ड्यूरिंग माई अप्स एंड लोज Uh, तो यू शुड ऑल्सो स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स परस्यू योर हॉबीज एज़ वेल बहुत ज़्यादा इसमें uh, ये मत सोचिए कि सिर्फ यही लाइफ है लाइफ बहुत बड़ी है इट इज़ जस्ट वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ तो uh, आप इसको इस वे से अगर अप्रोच करेंगे तो आप में एक एटीट्यूड आएगा इसको डील uh, करने का और आप बहुत अच्छे से इसको डील करेंगे तो इसी मैसेज के साथ मैं आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू दो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम Thank you.